अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम वापस ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ यहाँ पर मुझे आपको ये बताना है कि हमारे इंग्लिश के पेपर में ग्रामर से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कि यूजुअली आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बताया जाता है, जैसे कि एडजेक्टिव का नाउन करो और सेंटेंस वापस लिखो, नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म लो और सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करो, या फिर कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स भी रहते हैं, जैसे नाउन टू एडजेक्टिव करो, एडजेक्टिव टू नाउन। इस तरीके से मीन्स लाइकवाइज डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर इंग्लिश पेपर। तो यहाँ पर हमको ये सवाल करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। वोकैबुलरी हिस्से में हम ये जानेंगे कि आखिर नाउन से एडजेक्टिव भला कैसे बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 65 से ज़्यादा ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बताऊंगी कि जिनका एडजेक्टिव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, और उसके लिए मैं आपको हेल्प के लिए उसके उर्दू मानी जो है वो भी साथ में बताऊंगी। सो लेट अस सी हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेक्टिव्स। लेट अस सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव। अभी आपको समझने के लिए मैंने एडजेक्टिव्स रेड कलर से दिए हुए हैं इंग्लिश और उर्दू में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है वो ब्लैक लेटर्स में रहेंगे। सो हियर सी, एडजेक्टिव रेड में होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्लैक वाइट में होगा, ब्लैक में होगा, आई एम सॉरी। जैसे कि यहाँ पर देखो, लॉन्ग यानी लंबा, और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लेंथ यानी लंबाई, वाइस यानी अकलमंद, विस्डम हिकमत अकलमंदी, ब्रेव यानी बहादुर ब्रेवरी या ब्रेवनेस बहादुरी, हाई यानी ऊंचा और हाइट यानी ऊंचाई, हम्बल यानी आजिज हम्बलनेस आजजी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रेंथ यानी ताकत मजबूती होता है, स्लेव यानी गुलाम स्लेवरी यानी गुलामी, रॉयल शाही रॉयल्टी यानी बादशाहत, रिच अमीर रिचनेस अमीरी, ट्रू सच या सच्चा ट्रुथ सच्चाई, फ्री आज़ाद फ्रीडम आज़ादी, डीप गहरा डेप्थ गहराई, यंग नौजवान यूथ जवानी, क्रूअल जुल्म यानी जुल्मी क्रुएल्टी जालिमत, पुअर गरीब पॉवर्टी गरीबियत या गरीबी, सीक्रेट राज सीक्रेसी राजदारी, रेगुलर यानी बाकायदा रेगुलरिटी बाकायदगी, प्रूडेंट यानी मेहतात प्रूडेंस यानी होशियारी, प्रूडेंट को हम होशियार भी कह सकते हैं, देन प्राइवेट यानी निजी और प्राइवेसी यानी राजदारगी, काइंड मेहरबान काइंडनेस मेहरबानी, पेशेंट सब्र या सब्र वाला साबिर भी कहते हैं उसको, एंड पेशेंस यानी सब्र, वेन यानी बेकार वैनिटी यानी बातिल, इग्नोरेंट यानी जाहिल इग्नोरेंस यानी ला आलमी, वाइड चौड़ा विथ चौड़ाई, रूड यानी तमीज रूडनेस बदतमीजी, डेंजर खतरा डेंजरस खतरनाक, ड्यूटीफुल यानी फर्ज शनास ड्यूटी यानी आप जैसे फ़र्ज कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसी बात को ही बोलते हैं, खसूसियत होती है कैरेक्टर यानी किरदार भी हो सकता है, अब्यूंडेंट यानी ढेर सारा होता है अब्यूंडेंस ढेर सारा, ब्रूटल जालिम ब्रूटैलिटी जालिमत, डिफरेंस फ़र्क डिफरेंट मुख्तलिफ, गुड यानी अच्छा अच्छी गुडनेस यानी अच्छाई या नेकी हो सकता है, हेल्दी सेहतमंद हेल्थ यानी सेहत, जस्ट यानी बस हो सकता है या फिर इंसाफ करने वाला यानी और जस्टिस यानी इंसाफ, नेशनल यानी कौमी नेशनलिटी यानी कौमियत, प्रोफिशिएंट
माहिर प्रोफिशिएंसी माहिरत, ओबीडियंट यानी फरमाबरदार, ओबीडियंस यानी फरमाबरदारी, एंशियस फिक्रमंद, एंशियटी एंजाइटी यानी फिक्र, लेजी सुस्त, लेजीनेस सुस्ती, स्केर्स यानी नायाब बहुत कम पाया जाने वाला, स्केर्सिटी यानी कमी, पोलाइट शाइस्त, पोलाइटनेस यानी शाइस्तगी, सेल्फिश यानी खुदगर्ज, सेल्फिशनेस खुदगर्जी, ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्टी ईमानदारी, फुलिश बेवकूफ़, फुलिशनेस बेवकूफ़ी, फॉल्स झूठा, फॉल्सहुड झूठापन, इंटेलिजेंट जहनी, इंटेलिजेंस जहनीत या जिहानत, कवर्ड बुजदिल, कवर्डाइस बुजदिली, करेज हिम्मत, करेजियस बहादुरी हिम्मत वाला, डर्टी गंदा, डर्ट गंदगी, कॉन्फिडेंट पुर इत्माद और कॉन्फिडेंस यानी इत्माद, अब्सेंट यानी गैर हाजिर, अब्सेंस गैर हाजिर गैर मौजूदगी, एक्यूरेट दुरुस्त, एक्यूरेसी दुरुस्तगी, डेड मुर्दा, डेथ मौत, फर्टाइल यानी जरखेज, फर्टिलिटी यानी जरखेजी, हॉट गर्म, हिट गर्मी, इम्पॉर्टेंट अहम, इम्पॉर्टेंस अहमियत, नेसेसरी ज़रूरी, नेसेसिटी ज़रूरत, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटी खूबसूरती, प्राउड फ़क्र, प्राइड फ़क्र, मॉडेस्ट मॉडेस्टी, वीक कमज़ोर, वीकनेस कमज़ोरी, इनोसेंट मासूम, इनोसेंस मासूमियत, रिजिड सख्त, रिजिडिटी रिजिडिटी सख्ती। दैट्स इट। इस तरीके से आपने इस वीडियो में एटलीस्ट 60 के अबाव एडजेक्टिव्स के नाउन फॉर्म, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं वो लर्न किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए वर्ड्स के साथ हम मिलेंगे। सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश।